हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसक सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉड फादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचक का वर्ल्ड फाइनल होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सब यहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के

जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ सिर्फ एक ही बच्चा खेल खेल सकता है यानी कि टूर्नामेंट टूर्नामेंट तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन दिनवर्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके उसके गिल्स हो रहे थे और उसे पानी में अब तकलीफ होने लगी थी तभी हैरी पहले तो रॉन और को ऊपर ढकेल पहली पोस्टिंग पे तो कैडरिक आता है लेकिन हैरी ने जो कि इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बल डोर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेंसिव जिसके अंदर डम्बल डोर की यादें थी अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रॉफ को देखते है जिसपे लगा था कि वो वर्ल्डोमोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड मोट की तभी पता चलता है कि असल में नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल डोर आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड मोट के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड मोट के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन मैच था जहां एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल के अंदर घुस जाते, जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और और विक्टर और तभी उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे का पीटर पे अपने जिसके बाद अब वो के शरीर को एक में डालता है अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते वोल्डोमोट के डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी पे कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की जैसे हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काढ़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता कि मूडी असल में बेहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डंबल डोर उसके हाथ में वो डेथ हीटर का निशान भी देखते हैं और तब बा बताता है की उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते की कैडरी कप दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर 2 में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ सीरियस ब्लैक आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल होता है पे पे हैरी सभी जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के इधर उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में के जैसी बनाने लगता है लेकिन तब पे हैरी के दोस्त और करने वाले थे कि तब आर्थर आ और हैरी को बचा लेते हैं अब वो होगवर्ड के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमें उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पे डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन सब एक एक के, के नाम आ रहे थे जिसमें हॉगवर्ड्स के लिए पॉटर मतलब सबको लगा था की है चीटिंग लाइम लाइट पाने के लिए लेकिन असल में था अब हैरी को सीरियस ब्लैक कॉन्टेक्ट करता और कहते की हैरी इस टूर्नामेंट के अंदर डेथ हीटर होंगे यानी कि वो शख्स जो की लॉर्ड वर्ल्ड मोड के लिए काम करते हैं और गोबलेट फायर में तुम्हारा नाम आना कोई नहीं है, बल्कि ये कोई चाल है, और हॉगवर्ट सब सुरक्षित नहीं है अब अगले दिन हम देखते कि पूरा स्कूल हैरी को चीटर समझ रहा था जिसमें अब मूडी उसे कहते हैं टूर्नामेंट के फर्स्ट गेम में तुम्हारी लड़ाई एक ड्रैगन से होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा की तुमको कैसे लड़ना है अब आज दिन पहले ट्राइवजार टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी उस ड्रैगन से फाइट होगी जहाँ पे ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ हैरी की और वो अरीना में आता है जहां पे ड्रैगन उस पे हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु से उड़ता हुआ उस गोल्डन को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश हो जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी के और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते हैरी को वापस से वो सपना आता है लेकिन इस बार हैरी बाटी के हाथों के निशान को क्लियरली देख पा रहा था और अब सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के दूसरे मैच से जिसमें एक नदी में लेकर आया जाता है और कहा जाता है की पानी के अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके वजह से उसके गिल्स फेड हो रहे थे और उसे पानी

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोफ को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्ड मोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्डोमोट की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्फेट नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल डोर आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड मोट के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड मोट के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं वॉल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की जैसे हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल आते हैं और उसे एक कार्डा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बेहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि बार्टी जूनियर था जो की रूपांतरम का प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में डेथ का निशान भी देखते हैं और तब बार्टी बताता है की उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते की कैडरिक कब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब का वर्ल्ड फाइनल होता है जहा पे हैरी हर माइनी रोन सब यहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के

आ जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉगवर्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर जिसे ने पाना था। जहां पे अब बारी हमला करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने

घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था वजह तो तो है लेकिन हैरी ने जो कि इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बल डोर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेंसिव जिसके अंदर डम्बल डोर की यादें थी अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोफ को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्डोमोड का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में कार्कोफर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहां एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को, खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वॉल्डोमोट के डेथ ईटर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है कहती है की जैसे आ गया अब हम देखते प्रोफेसर हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डम्बल आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो की रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में ही का, का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे अब डम्बल सभी को बताते कि कैडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ हेस्कियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉड फादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हरमाइनी को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल होता है पे पे हैरी रोन सभी जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के दो उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में वोल्ड के जैसी आकृति बनाने लगता है लेकिन तब तभी वहाँ के दोस्त रोन और आ जाते हैं और और उस उस आसमान की आकृति को देख के हैरी के हैरी निशान पे जलन होने लगता और वो उस पे हमला करने ही वाले थे तभी आर्थर आ जाते है और हैरी को बचा लेते हैं अब वो होगवर्ड के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमे उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन

नाम आना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि ये कोई चाल है और हॉगवर्ड सब सुरक्षित नहीं है अब अगले दिन हम देखते कि पूरा स्कूल हैरी को चीटर समझ रहा था जिसमें रॉन और हारमाइन भी शामिल थे मेलफॉय मेलफॉय भी हैरी हैरी को 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 रहा था तभी प्रोफेसर मूडी आते हैं हैं और वो वो सबसे डिफेंड करते हैं, जिसके लिए वो को एक में बदल देते हैं अब मूडी उसे कहते हैं कि टूर्नामेंट के फर्स्ट गेम में तुम्हारी लड़ाई एक ड्रैगन से होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको उससे कैसे लड़ना है अब आज दिन है पहले ट्राइवजार टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी उस ड्रैगन से फाइट होगी जहाँ पे ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ है, हैरी की और वो अरीना में आता है जहाँ पे ड्रैगन उस पे हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो की अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश हो जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते हैरी को वापस से वह सपना आता है लेकिन इस बार हैरी के के क्लियरली देख पा रहा था टूर्नामेंट के दूसरे मैच से जिसमें तो जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके वजह से उसके गिल्स फेड हो रहे थे और उसे पानी में तकलीफ होने लगी थी तब ही हैरी पहले तो रॉन और को और को को ऊपर देता है है फिर वो को भी बचा लेता है, जिसके पहली पोस्टिंग पे तो आता है लेकिन हैरी ने जो की जान बचाई थी तो उसे सेकंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बल से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं थे तब दिखाई देता है जिसका नाम होता है अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था की वो वर्ल्डोमोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में हीतर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था पे जहापिन एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और और विक्टर और तभी वेक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती पे भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसके वजह से अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि के डेथ वोमोटर टीम में लूसियस भी था अब हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना हैरी के माता पिता की आत्मा भी वापस आ गया अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है उस पर अटैक करने लगते है तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि

हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्कुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि टूर्नामेंट तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस कोट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर हमला करने की करता है। वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी के और रोनवेल बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते हैरी को वापस से आता है लेकिन इस बार टूर्नामेंट के पानी के अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते है जिसपे इल्जाम लगा था वर्ल्ड मोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में डेथ कार्कर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वोल्डोमोट के डेथ टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ

हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी 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 को को एक सपना आ रहा रहा था था जिसमें पॉटर मारने के बारे में कह रहा था। अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्कुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

स्कूल आ जाने पर डब्बल डोर बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर हमला करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी के और रोनवेल वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से था है, के के देख है टूर्नामेंट से जिसमें आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक

अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोव को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्ड मोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते हैं की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्फेट ही नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते है की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी वेक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर पेटिग्रो अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वोट के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं वोल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी

बार्टी जूनियर था जो कि काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब उसके हाथ में डेथ डोर का निशान भी देखते हैं। और तब बार्टी बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते की कैडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एक्सकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल होता है जहाँ पे हैरी हर रोन सभी यहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

स्कूल आ जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से आता है टूर्नामेंट के पानी के अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का सिर्फ

अब जैसे हैरी पॉटर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो का है। लेकिन तभी देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में नहीं, वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते है और वो हैरी को कहते जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड मोड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन मैच था जहां इन्हें एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही जाते, और धीरे धीरे प्लेस बार जाते हैं और अब बस बचे थे और और लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे का पीटर पे अपने जिसके बाद पॉट में डालता और फिर उसमें वो अपना खून और खून को डाल देता है जिसके वजह से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते वोल्डोमोट के डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वॉल्डमोट वाँ� हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी पे कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की को अपने साथ में जैसे आ गया अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काढ़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बेहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डंबलोर उसके हाथ में डेथ का निशान भी देखते हैं और तब बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके को वापस ला सके अब डबल सभी को बताते की कैडरी कप दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर 2 में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ सीरियस आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बाद में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉड फादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल होता है जहाँ पे हैरी सभी पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के इधर उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में के जैसी आकृति बनाने लगता है लेकिन तब भी पे हैरी के दोस्त और और आ जाते हैं उस आसमान की आकृति को देख के हैरी के निशान पे जलन होने लगता है अब वो होगवर्ट के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमे उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन

ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ पे अब बारी आती है हैरी की और वो अरीना में आता है जहाँ पे ड्रैगन उस पर हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो की अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोफ को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्डोमोड का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि वर्ल्डोमोड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्कोफीटर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहां एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि देखतेमोट के डेथ ईटर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है कहती है की जैसे है अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते तभी वहाँ पे स्नेप और डम्बल आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो की रूपांतरम के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में डेथ का निशान भी देखते हैं और तब बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे कि वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्छी डिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ट में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो कि

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी पाना था। जहां पे अब बारी करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी के और रोनवेल बैठे थे क्योंकि उन्हें टूर्नामेंट के हैरी को वापस से पानी के दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा और हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे कि वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था की वो वर्ल्डोमोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में हीतर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल डोर आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था जा पे जापिन एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और और विक्टर और तभी वेक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती पे भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसके वजह से अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि के डेथ टीम में लूसियस भी था अब हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ पे की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पिता की आत्मा भी वर्ल्ड जाना अब जैसे हैरी में आता वो को वापस आ गया है अब हम देखते कि प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि

हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

आ जाने पर डबल डोर बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉगवर्ट्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी एक एक होगा जिसे ही पाना था। जहां पे अब बारी करने की करता है। वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी के और रोन वेल बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से आता है टूर्नामेंट के पानी के अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिलीवीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन गिलीवीट का सिर्फ एक

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था वर्ल्ड मोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में डेथ कार्कर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी भी आ जाता है। और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वोल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वोल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी

हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी 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 को को एक सपना आ रहा रहा था था जिसमें पॉटर मारने के बारे में कह रहा था। अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्कुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहाँ पे जाते और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

स्कूल आ जाने पर डब्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर जिसे हमला करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो की अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी के और रोनवेल वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से आता है, बार के के देख है टूर्नामेंट से जिसमें आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक

अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था कि वो वर्ल्डोमोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्फेट ही नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते है की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी वहां पे कमजोर भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो को वही मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी खून को डाल देता है जिसके अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं वोल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी

जूनियर था जो की रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में ही का, का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे अब डबल सभी को बताते अब उस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हमने देखा कि प्रिजनर ऑफ एसक सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बाद बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट हैरी पॉटर को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हरमाइनी को देखता है अब का वर्ल्ड होता है पे हैरी अच्छी रोन सभी वहां पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के दो उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में के जैसी आकृति बनाने लगता है लेकिन तभी वहाँ के दोस्त रोन और आ जाते हैं और उस आसमान की आकृति को देख के हैरी के निशान पे जलन होने लगता है अब वो होगवर्ड्स के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमे उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ट्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन

ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ हैरी की और वो अरीना में आता है जहां पे ड्रैगन उस पे हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु से उड़ता हुआ उस गोल्डन को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश हो जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी के और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते हैरी को वापस से वो सपना आता है लेकिन इस बार हैरी बाटी के हाथों के निशान को क्लियरली देख पा रहा था और अब सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के दूसरे मैच से जिसमें एक एक नदी में जाता जाता और और कहा पानी पानी के के अंदर अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें उन्हें समय के अंदर पानी से बाहर लेके आना होगा हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके वजह से उसके गिल्स फेड हो रहे थे और उसे पानी

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोव को देखते हैं है की वो वर्ल्डमोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्डोमोट की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्फेट नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड मोट के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड मोट के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होग में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं वोल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी पे कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की है जैसे हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काढ़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बेहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डंबलोर उसके हाथ में डेथ का निशान भी देखते हैं और तब बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके को वापस ला सके अब डबल सभी को बताते की कैडरी उस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर 2 में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ सीरियस आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बाद में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉड फादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल होता है जहाँ पे हैरी सभी पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के इधर उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में के जैसी आकृति बनाने लगता है लेकिन तब भी पे हैरी के दोस्त और और आ जाते हैं उस आसमान की आकृति को देख के हैरी के निशान पे जलन होने लगता है अब वो होगवर्ड के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमे उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन

नाम आना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि ये कोई चाल है और हॉगवर्ड सब सुरक्षित नहीं है अब अगले दिन हम देखते कि पूरा स्कूल हैरी को चीटर समझ रहा था जिसमें रॉन और हरमैनी भी शामिल थे भी हैरी हैरी को को रहा था तभी पर प्रोफेसर मूडी आते हैं हैं और वो सबसे डिफेंड करते हैं, जिसके लिए वो मेलफो को एक में बदल देते हैं अब मूडी उसे कहते हैं कि टूर्नामेंट के फर्स्ट गेम में तुम्हारी लड़ाई एक ड्रैगन से होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा की तुमको उससे कैसे लड़ना है अब आज दिन है पहले ट्राइवजार टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी उस ड्रैगन से फाइट होगी जहाँ ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ पे अब बारी आती है हैरी की और वो अरीना में आता है जहाँ पे ड्रैगन उस पर हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो की अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते

अब जैसे हैरी पोर्टर्स के अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोफ को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्ड मोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में कार्कोफीतर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहां एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वोल्डोमोट के डेथ ईटर टीम में लूसियस मेलव भी था अब अब्डोमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ पे कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है जो हैरी पॉटर को कहती है की जैसे ही हैरी हॉगवर्ट्स में आता है तो वो सबको कहता वर्ल्ड मोट अब वापस आ गया अब हम देखते कि प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डम्बल आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे कि उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो की रूपांतरम का प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में वो डेथ हीटर का निशान भी देखते हैं और तब बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे कि वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचक का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि यह टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ट में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो कि

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी जिसे ने पाना था। जहां पे अब बारी करने की कोशिश करता है वो बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी के और रोन वेल बैठे थे क्योंकि उन्हें टूर्नामेंट के हैरी को वापस से पानी के दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा और हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन गिलीवीट का सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके वजह से तो तो है लेकिन हैरी ने जो इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकेंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पर नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेनसीव जिसके अंदर डम्बल की यादें थी अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था की वो वर्ल्डोमोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में कार्क्रोफ डेथ नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था पे जहापिन एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और और विक्टर और तभी उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसके वजह से अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि के डेथ टीम में लूसियस भी था अब हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ पे कैडरी की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की जैसे आ गया अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि

हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचकुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहां पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

आ जाने पर डबल डोर बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉगवर्ट्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर जिसे ही पाना था। जहां पे अब बारी हमला करने की करता है। वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने

अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते है जिसपे इल्जाम लगा था वर्ल्ड मोट का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में डेथ कार्कर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था जहां एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी भी आ जाता है। और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वोल्डोमोट के डेथ टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ

जूनियर था जो की रूपांतरम के, के रूप लेके था और तब उसके हाथ में डेथ डोर का निशान भी देखते हैं और तब बाटी बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते हैं कि कैडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी 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 को को एक सपना आ रहा रहा था था जिसमें पॉटर मारने के बारे में कह रहा था। अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्कुडिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर माइनी रोन सभी वहाँ पे जाते और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

स्कूल आ जाने पर डब्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर हमला करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी के और रॉन ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से आता है, के के देख है टूर्नामेंट से जिसमें आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके उसके गिल्स फेट हो रहे थे और उसे पानी में अब तकलीफ होने लगी थी। तब हैरी डम्बल तो है तो है तो है। डोर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पर नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है यादें थी अब जैसी हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार को देखते है जिसपे इल्जाम लगा था कि वो मोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की जूनियर था की हैरी ने अपने और वो हैरी को कहते कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो वर्ल्ड मोट के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जापे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे कि टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक कैडरिक और 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 विक्टर और तभी उन्हें मारने की कोशिश करता है है लेकिन उसे वहीं पे बेहोश कर देता अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ कहता है की हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है की नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर पेटिग्रो अपने गोदी था। अब पीटर पहले तो कैडरी को वहीं पे मार देता है जिसके बाद अब वो वापस से हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते वॉल्डोमोट के डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वॉल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ पे कैडरी की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है जो की हैरी पॉटर को कहती है की जैसे ही हम वर्ल्ड मोट को भटकाएंगे तुम की को अपने साथ में के जाना। अब जैसे हैरी हॉगवर्ट्स में आता है तो वो सबको कहता है अब तो वापस आ गया है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डम्बल आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे कि उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि बार्टी जूनियर था जो की रूपांतरम काड़ा पी के प्रोफेसर मूडी के रूप लेके था और तब डम्बल उसके हाथ में वो डेथ ईटर का निशान भी देखते हैं और तब बाटी बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे कि वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते कि कैडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्छे का वर्ल्ड फाइनल होता है जहाँ पे हैरी हर रोन सभी यहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

स्कूल जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि यह टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादु झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने को चुनना था लेकिन हैरी और रोन वेल्ले बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते के हैरी को वापस से आता है, बार के के देख है टूर्नामेंट से पानी के अंदर आपके दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा अब हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे की वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके उसके गिल्स हो रहे थे और उसे पानी में अब तकलीफ होने लगी थी तभी हैरी पहले तो रॉन और को और को को ऊपर देता है फिर वो को भी बचा लेता जिससे कि पहली पोस्टिंग पे तो कैडरिक आता है लेकिन हैरी ने जो कि इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बल डोर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेंसिव जिसके अंदर डम्बल डोर की यादें थी अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रॉफ को देखते है जिसपे लगा था कि वो वर्ल्डमोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्डोमोट की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्फेट नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड मोट के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड मोट के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहाँ पे ने एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो कि एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं वोल्डोमोट के डेथ डेथर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ पे कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी वहाँ हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है की जैसे हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काढ़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बेहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि बार्टी जूनियर था जो की रूपांतरम का प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में वो डेथ हीटर का निशान भी देखते हैं और तब बार्टी बताता है की उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते की कैडरिक कब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैक ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अचक का वर्ल्ड फाइनल होता है जहा पे हैरी हर माइनी रोन सब यहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के

स्कूल जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉगवर्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता वो उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल खुश जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने

घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था वजह तो तो है लेकिन हैरी ने जो कि इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बल डोर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पे नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेंसिव जिसके अंदर डम्बल डोर की यादें थी अब जैसे हैरी पोर्ट के अंदर देखता है तो डम्बल डोर की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्क्रोफ को देखते हैं जिसपे लगा था कि वो वर्ल्ड मोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल डोर कहते कि नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि वर्ल्डोमोड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है की असल में कार्कर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते है की जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो की वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइनल मैच था जहां एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा होगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुले के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते हैं ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है तभी वहाँ पे कमजोर वोल्डोमोट भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि देखतेमोट के डेथ ईटर टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ कैडरिक की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है कहती है कि जैसे को की को अपने में लेके जाना। अब जैसे हैरी में आता तो वो को कि वापस आ गया अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है और उस पर अटैक करने लगते तभी वहाँ पे स्नेप और डम्बल आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो रूपांतरम के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डोर उसके हाथ में डेथ का निशान भी देखते हैं और तब बताता है कि उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे कि वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते अब उस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर टू में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसकवन सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉडफादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें वॉल्डोमोट के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हर को देखता है अब अच्छी डिज का वर्ल्ड फाइनल्स होता है जहाँ पे हैरी हर रोन सभी वहाँ पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो की और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर

जाने पर डबल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ट्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी एक के के आ रहे थे के लिए थी है नाम लिखा था हैरी का। इसका मतलब ये था की अब ट्राइविजार टूर्नामेंट में पहली बार चौथा दावेदार होगा हैरी पॉटर सबको लगा था की हैरी ने चीटिंग की लाइन लाइट पाने के लिए लेकिन असल ऐसा नहीं था अब हैरी को सीरियस ब्लैक कॉन्टैक्ट करता और कहते कि हैरी इस टूर्नामेंट के

टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी करने की कोशिश करता है वो खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन एग को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश जाती है और हैरी को चीयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी के और रोन वेल बैठे थे क्योंकि उन्हें टूर्नामेंट के हैरी को वापस से पानी के दोस्त को छिपाया गया है तो उन्हें समय के अंदर पानी से उन्हें बाहर लेके आना होगा और हैरी एक जड़ी बूटी खा लेता है जिसका नाम था गिली वीट जिससे की उसके अंदर मछली के जैसे गिल्स और पंख आ जाते हैं जिससे कि वो इजिली पानी के अंदर तैर पाता लेकिन वीट का असर सिर्फ एक घंटे तक रहता है और अब हैरी का टाइम खत्म हो रहा था जिसके वजह से तो तो है लेकिन हैरी ने जो इनकी जान बचाई थी तो उसे सेकेंड प्लेस दे दिया जाता है अब हैरी डम्बर से मिलने के लिए जाता है लेकिन वो वहां पर नहीं थे तब हैरी को एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम होता है पेनसीव जिसके अंदर डम्बल की यादें थी अब जैसे हैरी पॉटर उसके अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे इल्जाम लगा था की वो वर्ल्डोमोट का खबरी है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में कार्कर ऑफ डेथ नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल डोर आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था पे जहापिन एक भूल भुले के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे है हैरी कैडरिक और और विक्टर और तभी वेक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में उस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती पे भी आ जाता है और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसके वजह से अब वॉल्डोमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि के डेथ वोल्डोमोटर टीम में लूसियस भी था अब हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ की आत्मा आती है और वो हैरी को कहती है कि मेरी बॉडी को अपने साथ में लेके जाना और मेरे पिता को दे देना तभी पे हैरी के माता पिता की आत्मा भी आती है अब हम देखते प्रोफेसर मूडी हैरी को अपने साथ में लेके जाता है उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वहाँ पे स्नेप और डब्बल डोर आते हैं और उसे एक काड़ा पिलाते हैं जिससे की उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है और तब पता चलता है कि मूडी असल में बहरूपिया था और ये और कोई नहीं बल्कि जूनियर था जो की रूपांतरम काड़ा पीपी -पी के प्रोफेसर मोडी के रूप लेके था और तब डंबल उसके हाथ में वो डेथ हीटर का निशान भी देखते हैं और तब बाटी बताता है की उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है हैरी पॉटर 2 में हमने देखा था कि प्रिजनर ऑफ एसक सीरियस ब्लैकअप आजाद हो चुका है और हैरी को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गॉड फादर है और अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी को एक सपना आ रहा था जिसमें हैरी पॉटर को मारने के बारे में कह रहा था अब जैसे हैरी की नींद खुलती है तो वो हरमाइनी को देखता है अब का वर्ल्ड फाइनल्स होता है यहाँ पे हैरी सभी पे जाते हैं और मैच को देख रहे थे लेकिन मैच के वक्त अचानक से इन पे कोई अटैक कर देता है जो और कोई नहीं बल्कि वॉल्डोमोट के साथी थे जो की यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए आए थे सब डर के इधर उधर भाग रहे थे और तभी हैरी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पे बार्टी का बेटा बार्टी जूनियर आता है जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था अब वो आसमान में वोल्डमोड के जैसी आकृति बनाने लगता है लेकिन तभी हैरी के दोस्त रौन और आ जाते हैं और उस आसमान की आकृति को देख के हैरी के हैरी निशान पे जलन होने लगता है और वो उस पर हमला करने ही वाले थे तभी आर्थर आ जाते है और हैरी को बचा लेते हैं अब वो होगवर्ट्स के लिए निकल रहे थे जहाँ पे हैरी सीरियस ब्लैक को एक लेटर लिख रहा था जिसमे उसने अपने सपने के बारे में लिखा था और अपने निशान के जलन के बारे में लिखा था अब स्कूल आ जाने पर डम्बल बताते हैं कि स्कूल में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि तीन मैजिकल स्कूल के अंदर होगा और उसे हम होस्ट करेंगे हर स्कूल से सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है यानी कि ये टूर्नामेंट सिर्फ तीन स्टूडेंट के बीच में होगी और वही बच्चे इस टूर्नामेंट को खेल सकते हैं जिनकी उम्र सत्रह से ऊपर है तो जिसको भी पार्ट लेना है इस टूर्नामेंट में वो अपने अपने नाम को इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे जो की कि किसी एक काबिल दावेदार को चुनेगी अब अगले दिन हॉकवर्ड्स में नए प्रोफेसर की क्लास चल रही थी जिनका नाम था प्रोफेसर मूडी जिन्हें मैड मूडी के नाम से भी जाना जाता था तो मूडी सभी बच्चों को शराब के बारे में बता रहे थे जो की इतने छोटे बच्चों को बताना गलत था अब वो दिन आ जाता है जब गॉबलेट फायर सभी दावेदारों के नामों को चुन

नाम आना कोई कॉन्सिडेंस नहीं है बल्कि ये कोई चाल है और हॉगवर्ड सब सुरक्षित नहीं है अब अगले दिन हम देखते कि पूरा स्कूल हैरी को चीटर समझ रहा था जिसमें रॉन और भी शामिल थे भी हैरी हैरी को को रहा था तभी पर प्रोफेसर मूडी आते हैं और वो सबसे डिफेंड करते हैं जिसके लिए वो को एक में बदल देते हैं अब मूडी उसे कहते हैं टूर्नामेंट के फर्स्ट गेम में तुम्हारी लड़ाई एक ड्रैगन से होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा की तुमको उससे कैसे लड़ना है अब आज दिन पहले ट्राइवजार टूर्नामेंट का जहाँ पे सभी को अपने अपने ड्रैगन को चूज करना था और फिर उनकी उस ड्रैगन से फाइट होगी जहाँ ड्रैगन एक गोल्डन एग की रक्षा कर रहा होगा जिसे इन्हें पाना था जहाँ पे अब बारी हैरी की और वो अरीना में आता है जहाँ पे ड्रैगन उस पे हमला करने की कोशिश करता है वो ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और विशाल था जो कि अपने मुंह से आग उगल सकता था लेकिन हैरी अपने जादुई झाड़ू से उड़ता हुआ उस गोल्डन को जीत लेता है अब पहले टूर्नामेंट को जीतने के बाद पूरी स्कूल उससे खुश हो जाती है और हैरी को चेयर करती है जिसके बाद स्कूल में एक डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पे सभी को अपने पार्टनर्स को चुनना था लेकिन हैरी को और रोन वेल बैठे थे क्योंकि उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिला था अब हम देखते

अब जैसे हैरी पोर्टर के अंदर देखता है तो डम्बल की यादों के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम कार्कर को देखते हैं जिसपे लगा था की वो वर्ल्ड का खबर है लेकिन तभी डम्बल कहते है की नहीं वो हमारा स्पाई है जो कि की वर्ल्ड की खबर मुझे देता था लेकिन तभी पता चलता है कि असल में कार्कर नहीं बल्कि वो तो बाटी जूनियर था जिसको हैरी ने अपने सपने में देखा था तभी वहाँ पे यादों से बाहर डम्बल आ जाते हैं और वो हैरी को कहते हैं कि जिसको तुमने अपने सपने में देखा था जो कि वर्ल्ड के साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड के एक्स फॉर्मर का बेटा है अब आज होता है मैच नंबर थ्री और ये फाइन फाइनल मैच था जहां एक भूल भुलाई के अंदर गुजरते हुए एक मैजिकल ट्रॉफी को लेना था जिसे की टच करते ही वो सीधा हॉगवर्ट्स में आने वाले थे अब ये सभी उस भूल भुलाई के अंदर घुस जाते और धीरे धीरे सभी प्लेयर्स बाहर होते जाते हैं और अब बस बचे थे हैरी कैडरिक और विक्टर और तभी विक्टर उन्हें मारने की कोशिश करता है लेकिन कैडरिक उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और अब दोनों निकल पड़ते ट्रॉफी लेने के लिए जहाँ पे कैडरिक कहता है कि हैरी तुम इस ट्रॉफी को ले लो तब हैरी कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ इस मैच को जीतेंगे और अब वो दोनों साथ में इस ट्रॉफी को टच करते हैं ताकि दोनों जीत जाए लेकिन वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं जो की एकदम हैरी के सपने जैसी थी अब हैरी के सिर पे लगे हुए निशान पे जलन होने लगती है, तभी भी आ जाता है। और उसे रॉन का चूहा पीटर अपने गोदी में लेके आया था अब पीटर पहले तो कैडरी को वही पे मार देता है जिसके बाद अब वो वो के कमजोर शरीर को एक पॉट में डालता है और फिर उसमें वो अपना खून और हैरी को खून को डाल देता है जिसकी वजह से अब वॉल्डमोट वापस से जिंदा हो गया था और अपने असली शरीर में वापस आ गया था अब हम देखते हैं कि वोल्डोमोट के डेथ टीम में लूसियस मेलव भी था अब वोल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है जिसके बाद अब दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी वहाँ

था और तब डोर का निशान भी देखते हैं डाला था जिससे की वो उस गेम में आए और तब हम हैरी का यूज करके वर्ल्ड को वापस ला सके अब डम्बल सभी को बताते कि कैडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा और वर्ल्ड भी वापस आ चुका और इसी के साथ सभी बच्चों की छुट्टी यहां से शुरू हो जाती है और ये मूवी यहां पे खत्म हो जाती है